सावन महीने के चौथे सोमवार को विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर 75वां झंडा के साथ यात्रा में बाइक सहित हजारों महिलाएं और पुरुष शामिल होंगे और साथ ही भोलेनाथ का अभिषेक भी करेंगे। सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में बुंदेलखंड कांवड़ यात्रा समिति के जिलाध्यक्ष संजीव श्रमरेसी, संयोजक हेमंत परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी समिति हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा निकालने जा रही है। यह कांवड़ यात्रा सोमवार को सुबह 9 बजे मध्य प्रदेश के ओरछा से प्रारंभ होगी, जिसमें हजारों महिलाएं और पुरुष शामिल होंगे। यात्रा का जगह जगह स्वागत सम्मान होगा। जैसे ही यात्रा रिशाला चुंगी के पास पहुंचेगी, तभी वहां से करीब 200 बाइक सवार आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर 75 तिरंगा झंडा लेकर कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। इस यात्रा में करीब 40 से 50 डीजे और महारानी लक्ष्मीबाई झांसी सहित भारत माता के चित्र भी शामिल होंगे। यात्रा ओरछा से झांसी कानपुर रोड रिसाला चुंगी होते हुए इलाइट चौराहे से जीवन शाह तिराहा से बीकेडी चौराहा और उसके बाद सिद्धेश्वर मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेगी। भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के बाद भंडारा प्रसादी वितरण का कार्यक्रम होगा। इस दौरान नीरज सिंह, अजय मिश्रा सहित कई भाजपाई उपस्थित रहे। एक विशाल कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया है। यह कांवड़ यात्रा ओरछा से चलकर झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर धाम पर संपन्न होगी। इस यात्रा में 5,000 कांवड़ यात्री और 200 लोग तिरंगे झंडे लेकर अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के अनुसार और झांसी से इसमें 5 से 6,000 महिलाएं कलश लेकर शामिल होंगी। लाइट चौराहे पर इस यात्रा का भव्य स्वागत होगा और ये यात्रा सिद्धेश्वर मंदिर धाम पर यह यात्रा संपन्न होगी। इस यात्रा में पिछली बार से अधिक लोगों की रहने की संभावना है और इस यात्रा में लगभग 20 से 25,000 लोग इसमें शामिल होंगे। आप सभी जनमानस से निवेदन है कि इस यात्रा में शामिल होकर पुण्य लाभ उठाएं। संजीव, क्या खास रहने वाला है इस बार यात्रा? यात्रा में तो अमृत महोत्सव के कारण अमृत महोत्सव हम आज़ादी के अमृत महोत्सव हमारा चल रहा है तो उसमें हमारे 75 झंडे 75 वर्ष हो गए हैं आज़ादी को, तो 75 तिरंगा झंडे लेकर के मोटरसाइकिलों से लोग आगे चलेंगे, उनके पीछे ये कांवड़ यात्रा चलेगी। तो ये हमने जो आज़ादी का जो 75वां वर्ष था उसको मद्देनजर रखते हुए और ये यात्रा का आयोजन किया। किसकी हमारे बग्घियाँ रहेंगी जिसमें भारत माता का स्वरूप रहेगा, महारानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप रहेगा, भगवान श्री राम के स्वरूप रहेंगे, भगवान भोलेनाथ के स्वरूप रहेंगे। एक यात्रा मतलब एक भव्य यात्रा आपको दिखाई देगी और बड़े इसमें कम से कम 40 से 50 डीजे से यात्रा में रहेंगे। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now. www.pkuniversity.edu.in. Address: Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. संस्कार सेवा समर्पण। शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन है। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628। कृषि के क्षेत्र में सवारें अपना भविष्य, आज ही एडमिशन ले जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि, बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ्स, बायो, श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय, ग्राम धबागर, मऊरानीपुर, झांसी। कॉन्टैक्ट 7470082279।